रोल बताएं। हमारी एक शॉप है रीडिंग मैजिक करके इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर हम लोग बुकिश मर्च बेचते हैं, जैसे कि बुक मार्क्स, बुक स्लीव्स, क्वेश्चन कवर बैचेस, नोटबुक्स, नोटपैड्स, टी शर्ट्स, और हमें जितना भी प्रॉफिट आता है हम सब चैरिटी को दे देते हैं। तो अभी ये बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जो आपने बढ़ाया एकदम, इस तरह की विचार कैसे आया? जी, हम लोग बचपन से हमने अपने अराउंड देखा था, तो मम्मी पापा ने भी हमें बोला कि हमें हेल्प करनी चाहिए दूसरों की, तो हमें बचपन से ये सिखाया गया है। सो हमें जब भी कोई ऐसा दिखता है या फिर ऐसा लगता है कि हमें मदद करनी चाहिए, हम पूरी कोशिश करते हैं। अब हम लोग की शॉप के थ्रू मदद। अभी किस तरह की आपने मदद की करने जा रही है? अभी हम लोग पैड्स बांटेंगे, क्योंकि पीरियड्स तो रुकते नहीं है, भले कोविड आए, फ्लड्स आए या फिर अर्थक्वेक आए, तो और मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी बहुत जरूरी है, तो हम लोग पैच, ये एसेंशियल है इस समय, इसीलिए हम लोग पैच करते हैं। कितने रुपए के आपने इकट्ठे किए और कितने रुपए के पैड खरीदे? अभी हम लोग 2000 पैड्स अराउंड डोनेट करेंगे, हमें जितना भी प्रॉफिट आया है उससे। अभी तक कितने लोगों को अभी हम लोग ने 3-4 ऑर्फनेजेस को डोनेट कर चुके हैं। फिर भोपाल में एक चलता है परवरिश द म्यूजियम स्कूल, हमने उसमें भी डोनेट किया है हेल्प करने के लिए, जो कि अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को पढ़ाते हैं, और जो नोमैड्स होते हैं तो हमने उन्हें भी डोनेट किया है। तो इसका आइडिया कैसे आया तुम्हारा, किस तरह से आपने सोचा? तो मतलब हम लोग को शुरू से बुक्स और बुक्स से रिलेटेड चीज़ें बहुत पसंद थी, तो हमने सोचा कि उससे रिलेटेड कुछ करते हैं और जो भी आएगा तो उसे चैरिटी में। हमें लगा कि ये एक यूनिक स्टेप होगा बाकियों को हेल्प करने के लिए। कुछ हम ऐसा क्रिएटिव कर रहे हैं जिससे बाकियों की भी हेल्प हो। ऐसा करने पर आपको कैसा महसूस होता है? मतलब जिस तरह आप गरीब लोगों की मदद करते हैं, बहुत अच्छा फील होता है, उनके चेहरे पर खुशी देख के ऑफकोर्स अच्छा ही लगेगा।